हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज इस वीडियो से पहले आपके लिए मैं कुछ वीडियोस लाया था, जिन वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखा है, जिन वीडियोस में मैंने क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के सितंबर अपडेट फॉर फर्दर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स कंप्यूटर साइंस एंड हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे जो 2021 में बोर्ड के होने वाले एग्जाम्स के लिए आपको नहीं करने यानी डिलीट कर देने हैं। बच्चों की बहुत ही हाई डिमांड और आपका काम आसान करने के लिए आज इस वीडियो में सेलेना पब्लिशर्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक कंसाइज फिजिक्स फॉर क्लास 10 की बुक से आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स साथ साथ में वो सारे क्वेश्चंस मार्क कराने वाला हूँ जो आपको 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए नहीं करने। तो जल्दी से ले आइए अपनी बुक और पेंसिल वो सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो, जहाँ पे आपको मिलते हैं आपके क्लास के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को सिर्फ वो टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए जो जो टॉपिक्स आपके फिजिक्स में से डिलीट हो चुके हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का लिंक दे रखा है, वो डाउनलोड करके आप डायरेक्ट टॉपिक्स कट कर सकते हैं। लेकिन अगर बुक में से आपको पेज बाय पेज चाहिए कि कौन से पेज पे कौन से टॉपिक्स और कौन से क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका फोर्स। फोर्स वाले चैप्टर में से प्यारे कोई भी टॉपिक कट नहीं किया गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी पार, उसमें से भी कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 जो कि है चैप्टर कौन सा, मशीन्स। ये आ गया है आपका चैप्टर मशीन्स। मशीन के स्टार्टिंग में से प्यारे शुरुआत में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको करना है, लेकिन हाँ, इस चैप्टर में से जो लीवर्स वाला टॉपिक था वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो सीधे से आप खोल लीजिए पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे 3.5 वाला जो टॉपिक है लीवर्स, ये पूरा हटा दीजिए। 3.5 से लेकर 51, 52 पूरा हटा दीजिए, 53 पूरा हटा दीजिए, ये पूरा लीवर्स का है। देखिए मैंने क्रॉस लगा रखा है, जहां जहां मैंने क्रॉस लगा रखा है, अगर गलती से मैं बोलना रह जाए तो आप समझ लेना जहां क्रॉस है इसका मतलब वो आपको हटाना है, ठीक है। 54 पूरा हटाना है, 55 पे बेटा जो एग्जाम्पल से ऊपर वाला पोर्शन है वो तो हटाना है। 55 में एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये लीवर्स पे बेस नहीं है, तो ये तो आपको करना है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, 4 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, 6 काट दीजिए, 7 और 8 काट दीजिए, 9 भी काट दीजिए, काटते जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 काट दीजिए। एक्सरसाइज 3A में से लीवर्स वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो काटने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपको काटना है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद 20, 21, 23 और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक काटिए, उसके बाद 37, 38, 39 और 40। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1, 2, 3 मत काटिएगा, ये आपको करने हैं, लीवर से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला लीवर से रिलेटेड है, ये कट कर दीजिए, फोर्थ और फिफ्थ भी। न्यूमेरिकल्स में बेटा इस एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे लीवर से कनेक्टेड हैं, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप जो हैं अपने 59 पेज में से हटा दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 59 पेज के बाद 60 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हटा दीजिए। बात आई पुली सिस्टम की, तो पुली सिस्टम में सेक्शन बी में कोई भी टॉपिक कट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इसके बाद मशीन्स वाले चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने लाइट वाले चैप्टर पे। लेकिन लाइट वाले चैप्टर पे आने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां मैं आपको वो टॉपिक्स तो बता ही रहा हूं जो आईसीएसई के हिसाब से 2021 में उसने अपने कह के कट किए हैं, लेकिन उसके अलावा फिर भी बुक में कुछ ऐसे टॉपिक्स पहले से मौजूद हैं जो सिलेबस में ना पहले थे ना अब हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर वो वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, करने हैं नहीं करने हैं, तो साथ साथ में मैं
वो भी आपको टिक लगवा रहा हूँ यानी कट लगवा रहा हूँ जो आपको नहीं करने हैं। जैसे ये जो आपका मशीन्स वाला चैप्टर है, इसमें पेज नंबर 64 पे सबसे लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है नोट करके, ये आपको नहीं करना। उसके अगले पेज पे 65 पेज पे इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलिस ऑन MA एंड VR, इसमें आपको ये इतना डिटेलिंग ये जो फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं ये नहीं करना है। बस आपको आखिरी एक लाइन दे रखी है कि वेट आने से पुलिस का या फिर रस्सी का टैकल का क्या फर्क पड़ता है MA और VR पे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लाइट का चैप्टर। लाइट के चैप्टर में यानी जो चैप्टर 4 है रिफ्रेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, इसमें डायरेक्ट आप खोल लीजिए पेज नंबर 75 में। आप हेडिंग देख रहे हैं 4.5 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे ये पहले से ही ICSE 10th क्लास में मौजूद नहीं है, इसे काट लीजिए। अभी इस बार ऑब्वियसली कुछ दिया नहीं है, इस बार तो ये वैसे भी नहीं आना है। ठीक है, तो पेज नंबर 76 भी आपका पूरा कटेगा 4.6 जो हेडिंग है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से पहले तक, 4.6 मत काट दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपका 4.7 है मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक ग्लास प्लेट और थिक मिरर। मोटे मिरर में बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, सेकेंड इमेज जो है ब्राइटेस्ट वन होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ये आपको नहीं करना। कौन से पेज पे? पेज नंबर 77 पे। उसके बाद एग्जांपल्स में बात आए तो न्यूमेरिकल्स में से कोई भी चीज़ ऐसी कट नहीं है जो कि जो मैंने थ्योरी बताई आपको कट वाली, उसमें से यहाँ पे कोई भी एग्जांपल्स एज सच नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर बीच में मिल जाए आपको तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल इसके बाद रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म वाला जो पार्ट है बच्चे, इसमें से रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म तो है सिलेबस में, लेकिन कई स्कूल्स में ये डेरिवेशन कराई जाती है कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला तो है, ये डायग्राम में कौन कौन से एंगल्स हैं ये तो है, लेकिन इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए बेहिचक आप डेरिवेशन इसकी हटा सकते हैं। ICSE में फिजिक्स में सिर्फ एक ही आध डेरिवेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम की और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, बाकी एज सच कोई भी डेरिवेशन आपके बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है। फिलहाल तो ये फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 84 पे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं, फॉर्मूले तो करने हैं लेकिन इनकी डेरिवेशन नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में से कोई भी चीज़ कट नहीं है। सेक्शन बी की बात, सेक्शन सी की बात करें, सिंपल रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट, इसमें से भी कुछ कट नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद आपका आगे चैप्टर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ रहा है, जल्दी से खोल लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, बेटा इसमें डायरेक्ट खोल लीजिए कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर एक बार ही मुझे देखना पड़ेगा, पेज नंबर 122 पे 5.11 में लेंस फॉर्मूला लिखा है। प्यारे ये फॉर्मूला तो आपको करना है, इस पे बेस डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं, कोई टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं है। लेकिन इस पेज पे 122 पे ये जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला 1/F = 1/V - 1/U, इसकी पूरी डेरिवेशन दे रखी है प्यारे, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, ये पहले से ही सिलेबस में नहीं थी जो बोर्ड ने पहले ही बोला था आपको, इसलिए ये काट देना है। लीनियर मैग्निफिकेशन तो है लेकिन फिर से उसकी जो डेरिवेशन दे रखी है पेज नंबर 123 के लास्ट से स्टार्ट है, डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद बात आई 5.13 पे पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे कुछ अपडेट दिया है ICSE ने इस बार के लिए। उसने कहा है पावर ऑफ लेंस का आपको एक क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए कि पावर ऑफ लेंस क्या है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मोटे पतले लेंस होने से क्या फर्क पड़ता है, इसका बस फॉर्मूला करना है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं। यूनिट वगैरह पता होनी चाहिए लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। तो एक्सरसाइज पे आ जाइए न्यूमेरिकल्स को कट करने के लिए। पेज नंबर 126 पे MCQs में आप फोर्थ क्वेश्चन काट दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में यानी पेज 127 पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सारे काट दीजिए, क्योंकि ये पार पे बेस, पार ऑफ लेंस 1/F उसका फॉर्मूला होता है, उस पे बेस नहीं, ये काट दीजिए। उसके बाद आ जाइए जरा पेज नंबर 128 पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास दे रखा है, मैग्नीफाइंग पार दे रखी है, इसका सिर्फ आपको कंसेप्ट करना है, इसके भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं, इसके यूजेस कर लीजिएगा लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके नहीं करने हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग पार का फॉर्मूला भी बोर्ड ने कह दिया है नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज करने हैं पेज नंबर 129 पे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसे किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकाली जाए प्यारे,
ये आपका जो सिलेबस है, इस बार तो बोर्ड ने ये डिलीट नहीं किया है, लेकिन पहले से ही आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के बारे में कोई भी मेंशन है ही नहीं कि ये सिलेबस में है, तो मेरे हिसाब से ये भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ये पहले कभी आया भी नहीं है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ये बुक में दे रखा है लेकिन सिलेबस में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये आना है। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया ज़रूर ले लीजिएगा कि कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं किसी भी लेंस की फोकल लेंथ, लेकिन उसकी डिटेलिंग मत करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट जैसे फिगर 5.59 है, फिगर 6 5.69 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये बिल्कुल, ये जो डिटेलिंग दे रखी है बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन ये आप 5.58 वाली फिगर और 5.57 वाली फिगर के लिए जो थ्योरी है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही 5.61 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बेस, ये फिगर आप कर लीजिएगा, लेकिन ऊपर वाले जो मैंने बताए वो मत करिएगा। ऐसे ही 5.17 भी आपको करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं 5D एक्सरसाइज में पेज 131 पे क्वेश्चन 7 दे रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे बेस, तो ये जरूर कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम पे आ जाए प्यारे, स्पेक्ट्रम में शुरुआत में ये सारी चीजें बोर्ड ने रखी हैं, इसमें से कुछ भी नहीं काटा है। काटा है तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या काटा है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए आप डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 145 पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो ये सी वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपको कट कर देना है, आंखें बंद करके इसे पूरा कट कर दीजिए, इसलिए इसकी एक्सरसाइज भी उड़ जाएगी। यानी पेज नंबर 147 तक आपको नहीं करना सेक्शन स्कैटरिंग वाले में से। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है प्यारे चैप्टर 7 साउंड। साउंड में से क्या कटा है, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। चैप्टर 7 साउंड में कट करने के लिए डायरेक्ट जंप कर जाइए आप पेज नंबर 166 पे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर के बारे में बताया। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ये पूरा का पूरा सेक्शन इसी के बारे में है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसके ग्राफ्स, इसकी डिटेलिंग, इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। लेकिन बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि इस बार सिर्फ ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं, इसके मीनिंग जानने हैं, इसके फैक्टर्स जानने हैं, एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं करने, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल्स आप इसके सारे छोड़ेंगे, सिर्फ देखिए मैंने लिख के दिया है मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड फैक्टर्स, नो एग्जाम्पल्स। ये आप नोट कर लीजिए इन तीन, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी जैसे कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो देखिए ये इंटेंसिटी वाला टर्म है 166 पे, ये पूरा हटा देंगे। 177 पे मैंने ये क्रॉस कर रखा है, ये फैक्टर्स क्रॉस कर रखे हैं। मैंने बताया कि फैक्टर्स करने, मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड फैक्टर्स करने हैं, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस, बच्चे यहाँ पे जो मार्किंग कर रखी है इस मार्किंग में ये आप फैक्टर्स जरूर कर लीजिएगा। देखिए फैक्टर्स पे टिक लगा लीजिए पेज नंबर 167 पे, जो फैक्टर्स हैं ये आपको करने हैं, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ये नहीं करना आपको। ये पूरा सब फॉर्मूला बेस दे रखा है, ये कुछ नहीं करना, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना, पिच करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, देखिए लिखा है यहाँ पे पिच ऑफ नोट डिपेंड्स ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसकी बात की डिटेलिंग एग्जांपल्स के साथ आपको नहीं करना है। ऐसी क्वालिटी की डेफिनेशन, टर्म और वो फैक्टर्स करने हैं, लेकिन उसके एग्जांपल्स नहीं करने हैं, ठीक है। क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, म्यूजिक एंड नॉइज ये आप हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब म्यूजिक एंड नॉइज के लिए अलग से ना ही पहले कभी लिखा था ना ही नए में लिखा है, तो मेरे हिसाब से आप ये हटा सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल्स की बात आई तो प्यारे ये क्योंकि पूरा सेक्शन ही पूरा लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी पे है, उसने कह दिया सिर्फ टर्म्स और फैक्टर्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स का या कोई भी क्वेश्चंस का मतलब नहीं है। इसमें से सिर्फ आप वो क्वेश्चंस उठा सकते हैं जिन क्वेश्चंस पे लाउडनेस, पिच और फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है, फैक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, उनके टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा, बाकी सारे इसमें से हटा दीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग के पार्ट में से कुछ भी नहीं हटाया है, हटाया है तो एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ, जो कौन से पेज पे है, पेज खोल लीजिए प्यारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए, पेज नंबर 180। ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, इसका ग्राफ होता है वो करना है, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी 8.6 जो आपकी हेडिंग है पेज नंबर 180 पे, ये पूरा आप काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कटा है, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं, खोल लीजिए पेज नंबर 191
जिसमें आपने ये पढ़ा था कि कभी भी रेजिस्टर सीरीज में हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और पैरेलल के लिए 1/R वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। इसकी एक डेरिवेशन आपकी इन दोनों फॉर्मूले इसकी बुक में दे रखी है, बोर्ड ने कहा है इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल की जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं करनी। मैंने पहले भी बोला था ICSE बोर्ड में डेरिवेशंस बिल्कुल ना के बराबर हैं, एक दो हैं, कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल पेज नंबर 193 पे जो डेरिवेशन है वो काट दीजिए, पेज नंबर 194 पे डेरिवेशन काट दीजिए, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल के करने हैं, लेकिन बोर्ड ने ये साफ साफ इस बार के सिलेबस के लिए मेंशन करके दिया है कि जो सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मैक्सिमम उतने आएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 रजिस्टर्स लगे हों, 4 से ज्यादा रजिस्टर्स लगे होंगे उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। जैसे कि पेज नंबर 196 पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आप देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 रजिस्टर्स लगे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है आपके लिए कि चाहे 4 रजिस्टर्स लगे हों, चाहे 6 लगे हों, चाहे 2 लगे हों, प्रैक्टिस आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ दे रखे हैं उन सबकी करनी चाहिए, क्योंकि 2 रजिस्टर्स के, 3 रजिस्टर के या 4 रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स तो आने ही हैं। तो प्रैक्टिस आप 5-6 की रखिए ताकि आपके ये वाले आसानी से सॉल्व हो जाएं। लेकिन फिर भी कौन कौन से 4 रजिस्टर्स से ज़्यादा वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको क्रॉस करवा रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं क्रॉस, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन से पेज पे, पेज 197 पे एग्जाम्पल में 10 कट कर दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए नीचे, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो सारे हो गए, एक्सरसाइज में आ जाइए न्यूमेरिकल्स में। एक्सरसाइज में पेज 201 पे क्वेश्चन नंबर 13 काट दीजिए, क्वेश्चन 17 काट दीजिए, पेज 202 पे 17 के बाद 19 काट दीजिए, इसमें 4 से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिस ज़रूर करना। और पेज नंबर 203 पे क्वेश्चन नंबर 30 काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी से कोई भी चीज़ कट नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं अगला चैप्टर जो आपका हाउस होल्ड सर्किट एंड हाउस होल्ड सर्किट्स वाला जो चैप्टर है, लेट्स सी द हाउस होल्ड सर्किट्स वाला चैप्टर। हाउस होल्ड सर्किट्स वाले में बोर्ड ने 3 टॉपिक्स काट दिए हैं। जैसे सबसे पहले उसने रिंग सिस्टम काट दिया है, यानी पेज नंबर 215 पे 9.2 वाली काट दीजिए। उसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस काट दिया है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन काट दीजिए 9.2। पेज नंबर 215 पे 9.3 हाउस वायरिंग रिंग सिस्टम भी काट दीजिए, ठीक है। देखिए रिंग सिस्टम काटना है, लेकिन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 216 पे एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेज इन पैरेलल ये करना है, डिसएडवांटेजेस करनी है, लेकिन उसके पहले का रिंग सिस्टम का आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद बोर्ड ने एक चीज़ और काटी है, डुअल केस स्विचिंग, स्टेयर केस स्विचिंग, जहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे 2 स्विचेस लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बीच वाला बल्ब जलाने के लिए, वो आपको नहीं करना। यानी पेज नंबर 223 पे टॉपिक 9.6 वाला सर्किट्स विद डुअल कंट्रोल स्विचिंग एंड स्टेयर केस वायरिंग, ये पूरा का पूरा 9.6 वाला आप काट दीजिए, यानी 223 पेज भी कटेगा। 224 पेज पे 9.7 अर्थिंग से पहले जितना दे रखा है वो आपको कट कर देना है। इसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी चीज़ कट नहीं है बेटा। अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, खुशखबरी है, जो सितंबर अपडेट आया था इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर बोर्ड ने चैप्टर 10 कट कर दिया है। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन, बहुत बड़ा चैप्टर था। इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं हीट वाले चैप्टर पे। बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हीट पे बेस्ड, दैट इज कैलोरीमेट्री, इसमें से कोई टॉपिक तो नहीं कट किया है बोर्ड ने, लेकिन पेज 274 पे जो लेटेंट हीट वाला टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेटेंट हीट पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो बोर्ड ने कट कर दिए हैं। इससे पहले स्पेसिफिक हीट के बारे में दे रखा है, स्पेसिफिक हीट नहीं कट करना, उसके न्यूमेरिकल्स भी कट नहीं करने, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन जहां जहां लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कट कर देने हैं। इसलिए खोल लीजिए आप पेज नंबर 276 के एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको लिख के दिया नो न्यूमेरिकल्स ऑन लेटेंट हीट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये आपको कुछ नहीं करना, ये सब लेटेंट हीट में है। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस वाले सेक्शन के न्यूमेरिकल सब लेटेंट हीट में है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको पेज नंबर 277, 278, 279, इवन उसके बाद आ जाइए 281 पेज पे जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, 281 पेज पे न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे
लेटेंट हीट पे हैं, तो एक भी न्यूमेरिकल आपको अब की बार नहीं करना, काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर जल्दी से देख लो प्यारे, लास्ट चैप्टर में जो रेडियोएक्टिविटी है इसमें शुरुआत का जितना पार्ट है उसमें से कोई भी पार्ट कट नहीं है। हाँ, इसका जो लास्ट सेक्शन है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये देखिए फिजन एंड फ्यूजन आपका आ गया है कौन से पेज पे, 300 पेज पे सेक्शन बी दे रखा है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पूरा का पूरा हटा दिया है, सेक्शन बी पूरा कट कर दीजिए, इसकी थ्योरी भी नहीं करनी और इसके इवन न्यूमेरिकल्स भी आपको नहीं करने। तो ये पूरा सेक्शन काट दीजिए, इस तरीके से आपकी 307 पेज तक बुक हो जाती है, खत्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स के साथ बताए, उम्मीद है आपका बहुत काम कर रहा होगा, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा अगर ये टॉपिक्स डिलीट कर देंगे, कट कर देंगे बुक में। तो तैयारी करते समय आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भैया ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, ये टॉपिक करना है कि नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपके काम का रहा है प्यारे, तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी दिन लगे हैं इसको बनाने में, प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड से। और भैया लाइक तो बनता ही है, अगर यहाँ तक आए हो यानी आपके काम की ज़रूर रही होगी, लाइक करिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आगे आने वाली इसी तरीके के वीडियोज़ के बारे में डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन वाला। जैसे ही मैं फिजिक्स की लाया हूँ, ऐसे ही कोशिश रहेगी केमिस्ट्री के टॉपिक्स पेज बाय पेज फ्रॉम कंसाइज केमिस्ट्री लाने के लिए, लेकिन उसके लिए मेरे को आपका ढेर सारा प्यार और मोटिवेशन चाहिए, बहुत टाइम लगता है। अगर केमिस्ट्री का भी आपको इसी तरीके से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि यू नीड सेम टाइप ऑफ वीडियो फॉर केमिस्ट्री सिलेबस ऑल्सो, और कैसा लगा ये वीडियो ये ज़रूर टाइप करके बताइए। फिलहाल बेटा मिलेंगे किसी और लेक्चर में, जब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, हमारे चैनल पे आते रहते हैं अलग अलग चैप्टर्स पे बेस्ड अलग अलग लेक्चर्स जो आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने में हेल्प करते हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर दोज लेक्चर्स। मेरी तरफ से आपको बेटा आपके बोर्ड्स के लिए बहुत सारी विशेस, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।